प्राचीन काल से ही हमारे देश में बहुत युद्ध हुए हैं। उनमें से कुछ अपनों से थे तो कुछ दूसरे देशों से। जब एक सेना दूसरी सेना से पूरी तरह से हार जाती है तो हार का कारण बन जाता है। उसमें हार का कारण उसी देश का कोई सदस्य निकलता है जिसने अपने सारे राज दुश्मन के सामने खोल दिए और उसे हमला करने का रास्ता बता दिया, यानी घर का भेदी लंका ढाए वाला हिसाब। हमारे देश में दुनिया को फतेह करने वाला सिकंदर झेलम नदी तक आया, जहां पर उसका युद्ध राजा पोरस के साथ हुआ, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और उसके बाद सिकंदर लौट गया। फिर लंबे समय तक हमारे देश की ओर किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई और भारत की तूती दुनिया में बोलती थी, लेकिन एक समय सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत कब अपने ही देश के गद्दारों से दगाबाजी में दूसरों के हाथों गुलामी के शिकंजे में फंस कर लुट गया। आज हम उन्हीं गद्दारों में से पांच के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजा जयचंद देश का पहला गद्दार वो है जिसकी वजह से भारत में इस्लाम आया था। कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज अशोक ने कलिंग युद्ध में खून खराबा देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर कभी भी युद्ध ना करने का फैसला लिया और शांति का मार्ग अपना लिया। यही शांति हमारे देश के लिए एक युद्ध का सबब बन गई, क्योंकि कुछ लोगों की नजरें भारत की ओर उठने लगी। इसके बाद कई इस्लामिक हमलावर आए, अंग्रेज आए, व्यापार के नाम पर पुर्तगाली आए, डच और फ्रांसीसी आए। भारत को गुलाम बनाने वाले अपने ही कुछ गद्दार थे, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है जयचंद का। राजा जयचंद कन्नौज का राजा था। अगर किसी शख्स को गाली देकर जयचंद बोला जाए या किसी गद्दार को धोखेबाज को जयचंद बोला जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। जब भी राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है तो उसके साथ जयचंद का नाम जरूर आता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के हाथों दो बार हार का सामना कर चुके मोहम्मद गौरी को जयचंद ने पृथ्वीराज पर जीत हासिल करने में मदद की थी। दोस्तों, हुआ यूं था कि राजा जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और उससे शादी कर ली थी। जयचंद ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और उससे नफरत करने लगा। जयचंद हमार राजवंश से था, जिसे अब राठौर राजवंश के नाम से जाना जाता है। जयचंद के दिल में हर हाल में पृथ्वीराज चौहान और उसके साम्राज्य को खत्म करने की लगी रहती थी। इसके लिए वो लगातार कोशिश करता रहता था। जासूसों से उसे पता चला कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से अपनी हार का बदला लेना चाहता है। और फिर क्या था, जयचंद ने दिल्ली की सत्ता के लालच में मोहम्मद गौरी का साथ दिया और जयचंद की सेना के आगे पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। ये युद्ध 1192 में हुआ। इसके एक साल बाद गौरी ने जयचंद पर हमला किया और उसे मारकर उसकी सत्ता हासिल कर ली। उसके बाद गौरी ने कन्नौज, दिल्ली सहित कई जगहों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत में इस्लाम का दबदबा बढ़ना शुरू हो गया। फणीन्द्रनाथ घोष नंबर दो पर आता है। फणीन्द्रनाथ घोष, वैसे तो इस कड़ी में फणीन्द्रनाथ घोष का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ये देश का वो गद्दार है जिसने सैंडर्स बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी और उसी गवाही के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बंदी बनाकर फांसी दे दी गई थी। फणीन्द्रनाथ घोष ने सरकारी गवाह के तौर पर पंडित आजाद के शव की शिनाख्त की थी, लेकिन इसकी गद्दारी से गुस्सा आए भगत सिंह के साथियों को जेल में डाल दिया गया था। योगेंद्र शुक्ल और गुलाम चंद्र लाली, जो 1932 में दिवाली के रात जेल से भाग निकले थे, उन्होंने सबसे पहले गद्दार फणीन्द्रनाथ घोष को सजा देने की कसम खाई थी। इस कसम को पूरा किया योगेंद्र शुक्ला के भतीजे बैकुंठ शुक्ला ने, जिसने फणीन्द्रनाथ घोष को मौत के घाट उतार दिया था। आपको क्या लगता है, अगर ये गद्दार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ गवाही नहीं देता तो भारत को आजादी जल्दी मिल जाती? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मान सिंह तीसरे नंबर पर आता है। मान सिंह, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप की बहादुरी की जितनी चर्चा की जाए कम है, वहीं उनके समकालीन राजद्रोही जयचंद और मान सिंह की गद्दारी का मुकाबला बड़ा मिलेगा। एक तरफ जहां महाराणा प्रताप पूरे भारत को मुगलों से आजाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे, जंगलों में रहकर घास फूस फल फूल खाकर गुजारा कर रहे थे, वहीं मान सिंह मुगलों का साथ दे रहे थे। राजा मान सिंह मुगलों की सेना में प्रमुख थे और पूरी वफादारी से मुगलों का साथ दे रहे थे। इसी के साथ मान सिंह आमेर के राजा भी थे। महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में भी मान सिंह मुगल सेना के सेनापति थे। ये युद्ध 1576 में हुआ था।
मान सिंह की गद्दारी के कारण महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर बदले की आग पूरी तरह से चला रखी थी और वो मुगलों के हाथ नहीं आए थे। मीर जाफर। नंबर चार पर आता है मीर जाफर। मीर जाफर को इतिहास में रॉबर्ट क्लाइव का गधा या सियार का नाम दिया गया है, क्योंकि मीर जाफर की गद्दारी की वजह से ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत हुई। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर अपने ही राजा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। इसी युद्ध में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी गई थी। मीर जाफर 1757 से 1760 के बंगाल का नाम मात्र नवाब, या यूं कहो अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रहा, क्योंकि असल सत्ता तो अंग्रेजों के हाथों में थी। फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाने के लिए एक और गद्दार का सहारा लिया, वो था मीर कासिम। मगर मीर कासिम को जब तक ये समझ आता कि अंग्रेज उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक अंग्रेजों ने उसे मार दिया। मीर कासिम को अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में मार गिराया। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत का सबसे बहादुर बादशाह था, जिसका दबदबा पूरे दक्षिण भारत पर था, और उसने ही अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति छेड़ी थी। लेकिन उसी का मंत्री मीर सादिक उसका गद्दार निकला। टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लगातार लोहा लेता रहा। दूसरे अंगला मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का संधि के तौर पर अंग्रेजों के पास अपने दो बेटों को कुछ समय के लिए कुछ शर्तों के साथ छोड़ना पड़ा, मगर वो लगातार अंग्रेजों को भारत से निकालने की कोशिश करता रहा। इतिहास गवाह है कि अगर निजाम और मराठों ने समय पर टीपू सुल्तान का साथ दिया होता तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों को भारत से निकालने में कामयाब रहता, लेकिन निजाम और मराठों ने टीपू को हराने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और उसी के मंत्री मीर सादिक ने किले का दरवाजा खोल दिया और टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने मार दिया। इसके बाद दक्षिण भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेजों ने सादिक को आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया। पांचवा नाम थोड़ा विवादास्पद है, इस पर आप लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको सुनने में आपको आपत्ति नहीं होगी। गद्दारी को कोई भी करे, गद्दारी गद्दारी होती है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी, जिसको भूलना नामुमकिन है, इस पार्टी के नेताओं ने समय समय पर देश की पीठ में खंजर घोंपा। इस पार्टी के किसी नेता का नाम लेना पार्टी के साथ अन्याय होगा, इसीलिए 1885 में स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस नेताओं का इतिहास दागदार रहा है। नेहरू से लेकर गांधी तक सभी का दामन भारतीय जनता के खून से सने रहे थे। 1945 में देश विभाजन के प्रमाण पत्र पर नेहरू के सिग्नेचर थे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर चुप्पी साधने वाले भी नेहरू ही थे। इतिहास में तो ये भी कहा जाता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस को किसी ने छल से मरवाया था तो वो भी नेहरू ही थे। लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर जिसकी कोई जांच पड़ताल तक नहीं हुई, कथित तौर पर ये सब काम कांग्रेस का ही था। क्या ये कम है किसी पार्टी को दागदार बनाने के लिए? 1962 में चीन युद्ध में करारी हार, कश्मीर मुद्दे पर आपने देखी है कि देश को कितना संघर्ष करना पड़ा। अब आप खुद ही बताओ कि वो गद्दार है या नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।